रायबरेली जिले के ऊंचाहार में शाम के समय एक युवक ने अपने ही गांव के अधेड़ को गोली मार दी। यही नहीं, गोली लगने के बाद युवक की मौत हो गई। हत्या का कारण अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। यह दुस्साहस भरी घटना बुधवार की शाम को ऊंचाहार सलोन मार्ग स्थित मनीरामपुर गांव के पास शारदा सहाय नहर के पुल के पास हुई है। एनटीपीसी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत यह स्थल बहुत ही संवेदनशील है। यहां पर चौकी पुलिस के साथ साथ डायल 112 की जीप भी तैनात रहती है। बुधवार की शाम को पास के ही गांव महावीर कपूरवा निवासी शंभु यादव 50 वर्ष एक पान की दुकान पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक उनके गांव के एक युवक ने वहां पे पहुंचकर उनके ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसमें शंभु यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद उनकी स्थिति नाजुक हो गई। क्षेत्रीय लोगों ने किसी तरीके से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पे पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में क्या कहा पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। कि जो मृतक हैं उनका नाम शंभुनाथ है और उनके पड़ोस में ही रहने वाले जो दूर के रिश्तेदारी में उसके भतीजे रखते हैं दिलीप यादव, उसके द्वारा शंभुनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक प्राथमिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि अवैध संबंधों को लेकर ये घटना घटित की गई है। इसमें और विस्तृत जाँच और पूछताछ की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और दिलीप गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार।